बड़ी खबर हम आपको दे दें, आरक्षण के मुद्दे को लेकर के आपको बता दें, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10:30 बजे करने वाले थे उसका वक्त बदल गया है। हार्दिक ने फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी है। खबर यह है कि हार्दिक सानंद में 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते। दरअसल सानंद के पास त्रासद में शाम 5 बजे वो एक सभा करेंगे और उस दौरान वो ऐलान कर सकते हैं कांग्रेस के साथ जाने का। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, और क्या जानकारी मिल रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शाम को होगी एक सभा के बाद। जी देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इस पर अभी भी निर्णय लेना है, लेकिन अहमदाबाद में होने की बात हो रही है। लेकिन जो महत्वपूर्ण घोषणा हार्दिक पटेल पास के नेता करने जा रहे हैं वो सानंद की जो सभा होने जा रही है शाम में वहां करेंगे। और जो हार्दिक पटेल से हमने बात की है उन्होंने 2 से 3 बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि आरक्षण पाटीदार समाज के आरक्षण के मुद्दे को लेकर पास और कांग्रेस के बीच सहमति बनी है। उन्होंने ये भी कहा है कि दिनेश बामणिया जैसे जो नेता है पास के कन्वीनर है जो अब विरोध कर रहे हैं नाराजगी जता रहे हैं उनका कहना यह है, उनका आरोप यह है कि दिनेश बामणिया और जो दूसरे नेता है वो सिर्फ इसलिए ये सब कर रहे हैं ताकि वो हार्दिक पटेल को दूसरे पास नेताओं से अलग कर सके और हार्दिक पटेल को अकेला पास में खड़ा रख सके। यानी फूट डालने की बात यहाँ पर दिनेश बामणिया की तरफ से हार्दिक पटेल ने साफ साफ की है और ये कहा है कि चुनाव की जो सूची थी उसकी घोषणा के बाद जो ये सब किया जा रहा है वो यही उसके पीछे का कारण है कि उनके बीच यानी पास के नेताओं के और हार्दिक पटेल के बीच में फूट डालने के लिए सब किया जा रहा है। उन्हें अकेला अलग थलग करने की कोशिश यहाँ से हो रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कभी भी पाटीदार या पास के कन्वेनर्स के लिए कोई टिकट या उस टिकट के लिए लॉबिंग कांग्रेस से नहीं की, लेकिन मैं ये चाहता हूं, उनका ये बड़ा बयान है कि मैं ये चाहता हूं कि जो भी पाटीदार समाज के युवा नेता हैं उनको एक राजनीतिक स्थान मिले, उनको टिकट दिया जाए और वो चुनाव लड़ें ताकि पाटीदार समाज और मजबूत हो सके। इसके अलावा जो दूसरी घोषणाएं हैं जो हमने सवाल पूछे कि सीडीकरण को लेकर और दूसरी, गणेश आप 3 बड़ी बातें कह रहे हैं, मैं जरा ये जल्दी से दर्शकों को बता दूं। एक तो आरक्षण पर गणेश हमारे संवाददाता बताते हुए कि कांग्रेस हार्दिक में डील तकरीबन पक्की और साथ ही हार्दिक ये भी मान रहे हैं कि उनके समिति के भीतर ऐसे कुछ लोग हैं जो उनको अलग थलग करना चाहते हैं। आज शाम 5 बजे जो जनसभा करेंगे हार्दिक पटेल उसमें ये संभावना है कि वो ऐलान कर दें कांग्रेस के साथ आरक्षण पर अपनी सहमति का। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।